दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कृषकवासी की ओर से आपको सभी को नमस्कार और न्यू ब्लॉग में आपका सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछले कल बताया कि हमारे जो यहाँ वायरिंग वगैरह हो रही थी और जो कि हमारा जो सामान पेंडिंग पड़ा था वो भी हमने सेट करना है, तो आज आप जैसा देख पा रहे हो शॉक से ही आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है, क्योंकि सुबह सुबह मुझे टाइम नहीं लगा, क्योंकि सुबह मुझे जल्दी आना पड़ा क्योंकि मैं लेट हो गया था बहुत। इसलिए हमारे स्टोर का जो सामान भी बहुत सारा आया, जो ऊन आई है ना वो भी इसमें मैं क्लिप ऐड कर दूंगा, बहुत सारी ऊन आई है ना, तो वो भी हमें अभी थोड़ी देर बाद सेट करनी पड़ेगी। तो अभी मैं यहाँ का दिखा देता हूँ सेकंड फ्लोर का जो अभी काम यहाँ का है, कितना करना पड़ेगा अभी। जैसा अब ये वाला सामान देख रहे हो ना यहाँ काउंटर पे सारा का सारा, तो दोस्तों ये वाला हमें अभी सेट करना होगा, जो ये खाली हमारे खाने लगे हैं ना इधर उधर, हम इसमें सेट करेंगे इनको। जो ये हमारा ये देखो फुल है, सारे काउंटर पड़े हुए यहाँ, देखो कल वाला सामान वैसे का वैसा ही पड़ा है बिल्कुल, और यहाँ वाले साइड देख लो यहाँ वाला सामान भी पूरे का पूरा ऐसा ही पड़ा है। और ये देखो कैमरेज वगैरह हमारे, थोड़ा सा LED रहेगी लगवानी यहाँ से, क्योंकि कल उनके काम नहीं हुआ, उन्होंने 3 बजे के लिए बोला है, तो यहाँ वाले कैमरे जो हमारे सेट हो गए। और इस वाली साइड क्या काम है हमारा, तो इस वाली साइड अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, फिलहाल इस साइड कस्टमर आया। और ये वाला देख सकते हैं आप, यहाँ जो LED अभी नहीं लगी है, मतलब अभी ना दिक्कत हो रही है नीचे का, जो अभी दिख नहीं रहा है कि कौन ऊपर आ रहा है कौन नीचे जा रहा है। तो ये वाला सामान जो अभी हमने सेट करना है, उसके बाद करने वाले हम जो हमारा जो स्टोर का सामान आया है, जो ऊन आई है वो भी हम सेट करने वाले हैं हमारे धागे। और अभी तो फिलहाल इस वाले काम को हम कर लेते हैं, और क्या पता बीच में, जो आपको डेली का पता ही है, बीच में कस्टमर भी आ जाते हैं और समय जो है बीतता जाता है। क्योंकि आज भी मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहा हूँ, सुबह 11:30 बजे से कर रहा हूँ स्टार्टिंग, और क्योंकि मैं सुबह ना काम कर रहा था, क्योंकि नीचे वाले फ्लोर में जो ऊन आई है ना, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको कितनी ऊन आई है, क्योंकि इस वजह से मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग ना थोड़ा लेट कर रहा हूँ। और चलो बने रहे मेरे साथ ब्लॉग पे, आज क्या होने वाला है जो आप सभी के साथ शेयर होने वाला है फुल ऑन। जय कि आप दोस्तों देख पा रहे हो, आप समझ गए होंगे मैं इस टाइम कहाँ आया हूँ। मैं आया हूँ स्टोर, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जो हमने परसों यहाँ जो सेटिंग करी थी ना, जो हमारी ऊन आ रही थी नहीं उसके लिए जो सेटिंग करी थी, ये देखो दोस्तों बिल्कुल खाली कर दिया है हमने खाने, जो हमारी नई ऊन आई है उसके लिए बिल्कुल सेट कर दिया हमने, ऊन ऊपर भी सारा सेट करके रखा है। तो मैं आपको बताने वाला था ना, जो हमारी नई ऊन आई है उसको भी हमें सेट करना है, चाहता हूँ वो ऊन कितनी आई है आज, जो हमारे धागे कितने आए हैं जो हमें सेट करने पड़ेंगे। आप मेरे यहाँ देख सकते हो, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, जो डेहरी लगी है हमारी ऊपर तक लगी है, बहुत ज़्यादा ऊपर तक। ये देख लो दोस्तों ये वाला जो सामान पड़ा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ देख लो दोस्तों, आज जो हमारी सीढ़ियाँ वगैरह जो है, यहाँ देखो हाइट कितनी है, मतलब लेंटर तक की हाइट में आ गया है माल सारा। और यहाँ देखो अभी हमें यहाँ भी माल सेट करना होगा, और मैं दिखाता हूँ यहाँ देखो इस साइड को भी बहुत पड़ा है हमारा माल, जो कि मैं पैकेट के ऊपर से ही चढ़ के जा रहा हूँ। और यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो माल है ना पूरा अभी सेट करने का है हमारा, पूरे स्टैंडों पर लगने वाला है, जो कि था आपको जो ये माल लगने वाला है ना सारा, जो आपको पता है शेड वाइज लगने वाला, जो हमने शेड कार्ड उस दिन उससे हमने ये सारा ऑर्डर किया ना शेड कार्ड से, ये अब वैसे वैसे ही लगने वाला है, जो जो इनकी जगह जहाँ जहाँ है, जो जैसे जैसे शेड है, जो हमारा 30 रुपये 100 ग्राम है उसकी जगह लगेगा, जो 70 रुपये 100 ग्राम है वहाँ लगेगा। तो अभी जो काम है ना दोस्तों आज के लिए, शाम ही बजने वाले, 6-7 ही बजने वाले मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि अब ये वाला काम भी पूरा पड़ गया है, और ऊपर जो हमारी पैकिंग रह गई है वो बहुत सारी रह गई है करनी, क्योंकि अभी मनोज भाई थोड़ी थोड़ी पैकिंग कर रहे होगी, उतनी तो उनसे नहीं होगी, पर फिर भी हमें जो यहाँ से हम फ्री हो जाएंगे तो फिर जाएंगे हम ऊपर वाली साइड। बीच में तो दोस्तों आपको पता ही है, जैसे हम नीचे आ जाते हैं ना स्टोर में काम करने, तो बीच में हमारे को कॉल भी आ जाता है कि ऊपर आ जाओ कस्टमर आ गए हैं बहुत सारे, तो बीच बीच में से दौड़ भाग कर करके है, तो शाम का टाइम हो जाता है, फिर वैसे वैसे करके जो हम ये वाला काम है ना इसको हम कर लेते हैं, इसको हम उनको सेट कर लेते हैं, और फिर जाएंगे हम जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे। फाइनली अभी हमने रेस्ट किया है और रजत बैठा है नीचे यहाँ पे, और आधे से ज़्यादा ऊन हमने यहाँ देखो सेट कर लिया, मैं दिखाता हूँ आपको कितनी ज़्यादा सेट कर लिया हमने ऊन यहाँ पे। दोस्तों जो यहाँ पे जो ढेर लगा था ना वो हमने आधा कर लिया, और जो हमने ऊन यहाँ पे देखो इस वाले स्टैंड पे लगा दी थी, जो आपको खाली दिख रहा था और ऊपर आपको खाली दिख रही थी जगह, और ये वाले स्टैंड पे हमने पूरी भर दी है। जो अब ये थोड़ा सा बच गया है माल, ये एडजस्ट करना बच गया है, क्योंकि अभी हम थक भी बहुत गए हैं ना, यहाँ अंदर अंदर ही गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, फ़ैन भी यहाँ नहीं है, तो अभी हम इस वाली ऊन को करने वाले हैं सेट। जो तो हम जो है ऊन सेट करके ख़त्म हो चुके हैं, और इसमें लग चुका है पूरा 1.5 घंटा लग चुका है इसमें, और यहाँ देख सकते हैं आप इस वाली साइड हमने जो बची ऊन थी वो लगा दी, और कुछ हमने यहाँ लगा दिया सेट करके, जो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। यहाँ पूरा क्लियर कर दिया हमने सारा लगा लगो के, क्योंकि अभी देखो पसीना भी पड़ गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ काम बहुत ज़्यादा करने को होता है, मेहनत ना बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है तभी पैसे मिलते हैं। जो देख सकते थे जो मेरे ये वाला साइड फर्श था ना पूरा फुल हो चुका था, और ये सीढ़ियाँ देख सकते थे आप कैसी फुल हो चुकी थी, ऊपर ऊपर तक ये इसमें सामान भर चुका था। और यहाँ देख सकते आप इस जो पूरी सीढ़ियों पे माल था वो हमने कुछ यहाँ पे सेट करा, और कुछ हमने इस वाली साइड पे सेट करा, कुछ इस वाली साइड पे सेट करा, और पूरा क्लियर हो चुका है, हम सामान पूरा लगवा के पूरा जाने वाले हैं सीधा शॉप और देखने वाले हैं, और मनोज भाई को भी देखने वाले हैं, उन्होंने वो काम किया जो कपड़े वगैरह फोल्ड करने को रह गए थे उन्होंने कितना किया, क्योंकि अभी ऊपर का कोई बता नहीं सकते, क्योंकि यहाँ LED वगैरह नहीं लगी है ना, और कितने कस्टमर आए होंगे पता ही नहीं अब, तो चलते हैं ऊपर वाली साइड अब।
जो है ऊपर वाली साइड आ चुके हैं सेकंड फ्लोर, जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरे साथ। और अभी जो है भाई बंदा बैठा है, यहाँ मनोज भाई भी बैठे हैं और रजत भी बैठे हैं। रजत तो मेरे साथ ही था, अभी नीचे से आया। तू कब पहुंच गया यहाँ? मैं तेरे से पहले अच्छा तू मेरे से पहले आ गया। तो टाइम कितना, मुझे टाइम बता दे। 5 बज गए, 4:14, 4:14 हो गया, शाम का टाइम हो चुका है मतलब पूरा पूरा ही। और ये है भाई साहब बैठे यहाँ, क्योंकि बाहर से ना दरवाजे से एकदम बाहर से क्या सनलाइट आ रही है, तो इस कारण यहाँ दिख नहीं रहा है। जैसे कि अभी देख लो यहाँ सनलाइट बहुत पड़ रही है कैमरे पे। तो ये बैठा है रजत। तो अभी क्या काम है बोला ब्रो, क्या काम है अब करने को बचा? अब भी बता दे, अब तो शाम का टाइम भी हो चुका है, इतना काम भी कर लिया, ऊन अबे भी ये कौन सेट सा कर ली, काम और है ये हमारे देखो पास। ये सारे काउंटर जो हमने भरे थे ये भी खाली कर लिए। इतना काम करना पड़ता है हर रोज भाई। आप बोलो भाई कितना काम करना पड़ता है, बहुत करना पड़ता है ना। तो भाई मेहनत करके ना सब कुछ मिलता है, अगर मेहनत करनी पड़े तो। मेहनत से कभी हार ना माने, मेहनत पूरी पूरी करे भाई। क्यों यो या अभी शॉल ब्रो, लगाने पे क्या अभी शॉल? शॉल अच्छा भी है अभी तो लगाने ये, पे अच्छा भाई बोल रहे अभी तो ये शॉल भी लगवाने वाले हैं। कहाँ भाई? अच्छा ये पार लगाने की यहाँ लगाने? अच्छा यहाँ लगेंगे अब ये, जैसे आप कर रहे हैं इनको सेट बढ़िया से है ना। तो अभी ये वाले शॉल रह गया बस, बाकी काम हो गया हमारा। पर ग्राहक का तो कोई पता नहीं है, कभी भी आ सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल रेस्ट करने बैठे हैं, अभी हम रेस्ट कर लेते हैं। अब मिलेंगे आप लोगों से हम इवनिंग पे ही, शाम के टाइम, क्योंकि अभी जो है थक भी बहुत ज़्यादा गए हैं हम। तो बने रहे पूरा ब्लॉग का एंजॉय करने के लिए हमारे साथ। हम जो है अपने ग्राउंड फ्लोर में आए थे यहाँ शॉप के, जो ग्राउंड फ्लोर है हमारा। तो और हम ऐसे ही बैठे थे यहाँ, जो कंबल कुंबल ले जाने आए थे हम। मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ मुझे एक चीज़ दिखी है जो कि 40 साल पुरानी है, जो कि मुझे अभी भाई ने बताई। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो भाई यहाँ बैठा है, रजत बैठा है यहाँ पे। और ये कंबल का जो हम यहाँ पूरा वहाँ ऊपर वाली साइड ले जा रहे थे, तो मैं दिखाता हूँ आज आपको 40 साल पुरानी चीज़, जो यहाँ बहुत ही फेमस थी पुराने टाइम में। दोस्तों हम जो यहाँ बैठे थे, और हम जब यहाँ से इधर नज़र पड़ी ना भाई की, तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये है 40 साल पुराना श्याम वीडियो हॉल। यहाँ की जो 40 साल पहले मुझे भाई बता रहे थे, बहुत पुराना ये वीडियो हॉल था। जैसा कि आप देख सकते हो आज की नई फिल्म, जो यहाँ टाइटल होता था ना वो लिखा जाता था, जो कि मतलब फिल्म का, जैसे आज कोई फिल्म होने वाली है तो उसको यहाँ पे लिखा जाता था। तो यहाँ जो है दिखाई नहीं दे रहा है, तो कृपया अपनी डिस्प्ले की ब्राइटनेस को बढ़ा दें। तो आप सामने देख सकते थे यहाँ की जो टाइमिंग रहती थी ना, यहाँ की 3:30 से 6 हो गया, और 6:30 से 9 हो गया, और 9:30 से 12 हो गया। और पहली टाइमिंग दिन की रहती थी 12:30 से, जो 3:30 की रहती थी, जो किस हमारे बोर्ड पर लिखा गया है। और ये बहुत ही पुराना हॉल था दोस्तों, बहुत ही पुराना, जो कि 40 साल मुझे अभी भाई बता रहे थे, 40 साल पुराना है ये कम से कम वीडियो हॉल। तो यहाँ से जो मनोज भाई की नज़र वहाँ सामने गई, क्योंकि जो उनको पता भी था पहले से, और उन्होंने मुझे बताया कि ये 40 साल पुराना है दोस्तों। तो ये हमारे सेकंड फ्लोर का फ्रंट है। और कंबले कहाँ रखी भाई आपने? वो कंबले इसमें डाल दिए हो? क्योंकि हमारे पास ना यहाँ स्टॉक खत्म हो गया था, तभी वो नीचे हमने स्टोर से उठा के ना अभी यहाँ रख दी, क्योंकि यहाँ से आसानी होती है हमें निचले वाली साइड ले जाने के लिए। खास भाई और आए भाई कुछ काम? अब तो थोड़ा रेस्ट दो, 5-10 मिनट सुबह से लगे हैं काम करने। क्यों ठंडा पी? ठंडा तो कहाँ पीना हमने, ठंडा तो मौसम ही है हिमाचल में, आपको तो पता ही है दोस्तों। तो अभी हम बैठ गए रेस्ट करने फिलहाल। अब तो है शाम का समय हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो थोड़ी देर में बेड लाइट होने वाली है। चलिए दोस्तों शाम का टाइम हो चुका है। रजत टाइम कितना हुआ? 7:30 हो चुके हैं और आधा घंटा बच चुका है शॉप क्लोज करने के लिए। और मैं जैसा कि आपको परसों के ब्लॉग में दिखाया, जो हमारे नाक जौनी में जो वहाँ पाठिए बैठे थे 5 दिन के लिए, तो कल वो 4 दिन पूरे कंप्लीट होने वाले हैं। और 5वें दिन होने वाला है वहाँ, क्या होने वाला है भाई? नागपंचमी। तो कल नागपंचमी होने वाली है वहाँ। और क्या बनने वाला है भाई वहाँ? खीर बनने वाली है, खीर और भंडारा, मतलब खाना पूरा बनने वाला है। क्यों? तो मेन जो वहाँ पे डिश बनती है वो बनती है खीर, जो नागपंचमी के अवसर पे नाग को चढ़ाई जाती है। और बाकी जो खाना पीना बनता है वो तो पता ही आपको, दाल सब्जी और चावल जो बनते हैं। तो कल के ब्लॉग पे मैं आपको थोड़ी देर के लिए लंच टाइम ले जाने वाला हूँ कल खजौनी नाग के मंदिर पे, जो कि कल वहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो हमारा नागपंचमी का जो सॉरी त्यौहार है कैसा मनाया जाता है हमारे यहाँ पे, वो भी मैं आपको कल दिखाने वाला हूँ। और तो भाई अभी ये आधा घंटा बच चुका है शॉप क्लोज करने में, और तो थोड़ी देर में हम जाने वाले हैं यहाँ से घर, हर रोज़ की तरह। तो भाई बाकी कल आप तो छुट्टी होंगे? क्यों भाई? क्योंकि भाई कल छुट्टी होंगे, क्योंकि इनका जो है वहाँ पे जो है काम कुम करने को होता है, जैसे कि खाना खुना खिलाने का काम ना इन भाइयों का ही है, जैसे मनोज भाई का वगैरह का काम होता है। क्योंकि हम एक ही गांव के हैं ना, तो फिर वहाँ पड़ोसी हो गए मंदिर के पड़ोसी, तो इनका काम करना वहाँ पे हक होता है, क्योंकि ये हर साल जाते भाई यहाँ पे ना, तो भाई से हर साल वहीं काम करने जाते हैं। तो हम भी भाई कल लंच टाइम आएंगे, तुम्हारे को भी आप खाना खुना खीर खूर खिला देना वहाँ, ठीक है भाई? बिल्कुल भाई। तो आपसे थोड़ी देर इजाज़त लेते हैं, थोड़ी देर बाद मिलते हैं आप लोगों से, क्योंकि अभी जो है हमें बुला दिया है शॉपकीपर ने, अभी हम जा लेते हैं। तो आपको हम मिलते हैं शॉप बंद करने के समय, तो बने रहे पूरा ब्लॉग का एंजॉय करने के लिए हमारे साथ। जो हमने शॉप वगैरह सारी बंद कर दी है, मतलब अभी शटर मारने रह चुके हैं, जैसे आप रजत और भाई को देख रहे हैं बैक साइड। तो ये हमने सामान वगैरह सारा उठा दिया, और ऊपर वाले शटर भी हमने क्लोज कर दिए हैं। तो अब हम जाने वाले हैं यहाँ से सीधा घर। ये रहा रजत, रजत चल पड़ा तू घर? ओके ठीक है, गुड नाइट, अलविदा, कल मिलते मॉर्निंग में। हेलो, कल मिलते मॉर्निंग में, कल मंदिर तो जाना है नागपंचमी को, ठीक है बाय। ओके हम अपने शॉपकीपर से अलविदा ले लेते हैं, और हम ठीक है भाई जी। हाँ वारा भाई,
तो अब हम चल पड़े हैं यहाँ से सीधा घर। मनोज भाई यहाँ रुकने वाले हैं थोड़ा, क्योंकि अभी जो है काम थोड़ा, एक कैमरा सेट नहीं हो रहा है ना, उसको थोड़ा दिक्कत आ रही है, तो इसलिए इन्होंने बंदे को यहीं रखा है एक को। तो अब हम मिलेंगे आप लोगों से सीधा ही शिव मंदिर के पास। जो है हमें भाई की लिफ्ट मिल चुकी है, भाई साहब है हमारे प्रॉपर शिव मंदिर के पास से। तो आज आपको यहाँ से दिखाते हैं जो यहाँ से फील है स्कूटी में कैसा है। तो हम पहुँच चुके हैं अभी तेजस होटल के पास, इसको कहा जाता है हमारा तेजस होटल यहाँ पे। तो हर दिन की तरह अभी हम पहुंच चुके हैं, जो कि आपको सामने को, जो भाई डेली व्लॉग देखता है उसको तो पता है कहाँ पहुंचे होने। आप कहाँ गए थे भाई? दवाई लेने। अच्छा, ये तो हर दिन की तरह व्हाइट पुल के ऊपर हम पहुंच चुके हैं, और हर दिन की तरह यहाँ देखो बैल, और ये देखो कुत्ता डॉग। तो ये हल्का सा थोड़ा जाम लगता हुआ, चलो निकल ही गए भाई, निकल ही गए। अभी हम मिलवाने जा रहे हैं आपको जो हमारे गणेश भगवान है यहाँ पे इस मोड़ पे। जय भगवान। तो यही पास में ही हमारा शिव मंदिर है, यहाँ से ओनली 200 मीटर की दूरी पे। तो ये भी एक भाई जी अचंभे की बात है, क्यों? हमारा शिव मंदिर भी यही है, गणेश मंदिर भी यही है, क्यों? बेटा बाप मतलब एक जगह, क्यों? तो यही तो है हमारा, तो धार्मिक स्थान है भाई, बहुत ज़्यादा धार्मिक स्थान है यहाँ अशोक में, क्यों भाई? तो ये रहा हमारा हर दिन की तरह शिव मंदिर, जो कि यहाँ पे अभी क्या हो रही भाई, आरती हो रही है, आरती चल रही है भाई यहाँ पे, हम सही टाइम पे पहुँचे हैं। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू। तो हम मंदिर के पास पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे जो है आरती चली है शाम की और इवनिंग की। तो आपको यहाँ नीचे से ही दिखाते हैं थोड़ा, जो शाम की जो हमारी आरती चली है यहाँ पे। जय शंकर। ये हमारा मेन गेट क्रॉस हो गया, तो हम पहुँच चुके हैं मेन गेट के पास। जय शंकर महादेव। तो ये रहा हमारा शिव मंदिर, अभी मेरे वीडियो के माध्यम से दर्शन कर लो दोस्तों भोलेनाथ जी के। तो यहाँ से हम अब जाने वाले हैं सीधा घर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो ना, ये मतलब हम घर पहुँच चुके हैं आज। मुझे सडनली जब शिव मंदिर के पास पहुँचे हम, तभी मुझे अंजू का कॉल आया, क्योंकि आज हम घर जा रहे हैं। तो आज हम थोड़ी देर पहले ही घर आए, और फिर मैंने देखा कि घर में तो महक भी आई है, यहाँ देख सकते हो दीदी की बेटी भी आई है। ये जो है सो गई है, मतलब इसका कोई, ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दे। तो आपको जो माहौल था ना हमारा, वो भी एक खतरनाक जगह थी दोस्तों, आज से कम 50 साल पहले। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बता दे। तो आप भी वीडियो पर नए आए हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ये बता दे कि आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे, और अर्ली इन द मॉर्निंग। तो बाय दोस्तों, गुड नाइट, जय शंकर।